एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, दो लेंस कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है, एक और टेलीस्कोप होता है जिसमें तीन लेंस कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है, उसको टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप बोलते हैं। तीन कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप बोलते हैं उसको, ठीक है। और एक टेलीस्कोप में एक कन्वेक्स लेंस, एक कनकेव लेंस का यूज होता है, तो उसको जो है गैलीलियन टेलीस्कोप भी बोला जाता है, ठीक है। और एक टेलीस्कोप होता है रिफ्लेक्शन वाला, जो कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसमें जनरली पहले तो स्फेरिकल मिरर का इस्तेमाल किया जाता था, कनकेव स्फेरिकल मिरर, लेकिन क्योंकि उसका फोकल पॉइंट अलग अलग होता है, मैंने बताया था मार्जिनल रेज और पैराक्सियल रेज की वजह से, ठीक है, फोकल पॉइंट अलग अलग होता है तो फोकल लेंथ अलग अलग होती है, इस वजह से इमेज की शार्पनेस पे फ़र्क पड़ता है, इसलिए पैराबोलिक जो है मिरर का यूज़ आजकल ज़्यादा किया जाता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में, ध्यान रखना। दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में बस मेजर फ़र्क ये है कि देखो लेंस में दो तरह का प्रॉब्लम होती है, एक तो फोकल लेंथ वाली प्रॉब्लम मार्जिनल रेज और पैराक्सियल रेज की वजह से फोकल पॉइंट की प्रॉब्लम होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल एबरेशन बोलते हैं। अलग अलग कलर की लाइट, जैसे वाइट लाइट में सात कलर है तो सातों कलर का वेवलेंथ अलग है, तो डेविएशन अलग अलग होगा, तो डेविएशन अलग अलग होगा तो अलग अलग जगह कलर जाके फोकस करेंगे, तो उसको क्रोमेटिक एबरेशन बोलते हैं। एक तो है स्फेरिकल सरफेस की वजह से जो फोकल पॉइंट अलग अलग होने की वजह से फोकल लेंथ बदल जाता है, दूसरी वजह होती है फोकल पॉइंट बदलने की, वो कलर के वेवलेंथ की वजह से होती है, अलग अलग कलर की अलग अलग वेवलेंथ होती है, इस वजह से अलग अलग जगह जाके वो फोकस करता है, जिसको हम लोग क्रोमेटिक एबरेशन कहते हैं। तो एक एबरेशन स्फेरिकल एबरेशन लेंस में होता है, दूसरा एबरेशन जो होता है यानी एरर प्रॉब्लम जो होती है वो क्रोमेटिक एबरेशन। तो दो तरह की जो प्रॉब्लम या कहो तो एबरेशन होती है लेंस में, दोनों मैंने बता दिया। मिरर में एक ही तरह की प्रॉब्लम होती है, वो होती है स्फेरिकल सरफेस की वजह से, वो मैंने बताया था कनकेव मिरर में मार्जिनल रेज और पैराक्सियल रेज वाला प्रॉब्लम, जो अलग अलग जगह जाके फोकस करता है, तो उसमें एक ही तरह की प्रॉब्लम होती है। अगर उसको रेक्टिफाई कर लोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और उसको रेक्टिफाई करने का तरीका क्या है, पैराबोलिक मिरर का यूज़ करो, जिससे फोकस जो है एक ही जगह होता है, चाहे मार्जिनल रेज का फोकस हो चाहे पैराक्सियल रेज का फोकस हो। क्लियर है ये पॉइंट कि नहीं क्लियर है? तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप आज की डेट में ज़्यादा पॉपुलर टेलीस्कोप है। हाँ, स्कूलों में बच्चों को दिखाने के लिए लेंस वाला फोकल सिलेंड्रिकल शेप का लगाया जाता है, लेकिन आज की डेट में जितने भी टेलीस्कोप बन रहे हैं नए बड़े बड़े टेलीस्कोप, वो ज़्यादातर या तो स्फेरिकल बन रहे हैं या पैराबोलिक मिरर वाले जो है यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, अब हाँ नहीं नहीं इसको अभी लिखने की ज़रूरत नहीं, ये तुम्हारे जानने के लिए मैंने बताया है कि ये सारे प्रॉब्लम होते हैं लेंस में, क्रोमेटिक एबरेशन और स्फेरिकल एबरेशन, जिसकी वजह से हम लेंस को ज़्यादा प्रिफर नहीं करते हैं आज की डेट में टेलीस्कोप बनाने के लिए, लेकिन सिलेबस में है तो उसको पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, ठीक। अच्छा चलो, तो टेलीस्कोप में दूर की चीज़ों को देखा जाता है, किसी बड़ी ऑब्जेक्ट को बहुत दूर हो, जैसे स्टार्स है, कोई प्लैनेट है, उनको देखना होता है, सैटेलाइट है, ठीक है, उसको देखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मून को, मार्स को, इस तरह के। तो दूर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट को मैंने राइट साइड लेफ्ट साइड में बनाया है, बहुत दूर नज़दीक नहीं बनाया इसको, मान के चलो कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, उससे जो रे आ रही है पैरेलल रे आ रही है, ऑब्वियस सी बात है पैरेलल रेज आएंगी क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, और दूसरी रे इंसिडेंट हो रही है यहाँ पर, और दोनों रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज हो रही हैं, ठीक है, वो दिख रहा होगा, ये लाइन है ना, बस इतना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा मैंने वहाँ, उसके अलावा कुछ ए भी लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को ए भी मैंने लिखा हुआ है। तो ये जो रे आई है वो रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज हो गई, ठीक है, कन्वर्ज होके फिर दूसरे लेंस पे इंसिडेंट हुई, और इंसिडेंट होने के बाद डाइवर्ज हो गई, क्योंकि ये पहले से ज़्यादा डाइवर्ज हो रही थी तो अब थोड़ा सा कम डाइवर्ज हुई, लेकिन अभी भी डाइवर्ज हो रही है। अगर आप अपनी आँख को यहाँ रखोगे, यहाँ पर अपनी आँख को आप रखोगे, तो आपकी आँखों में रेज किस डायरेक्शन से जा रही है, इस डायरेक्शन से जा रही है ना, लग रहा है इस डायरेक्शन से जा रही है। लास्ट मोमेंट पे जिस डायरेक्शन से रेज आपकी आँख में जाती हैं
ऑब्जेक्ट की रेस को, मतलब उसी रेस को अगर पीछे बढ़ाया जाए तो जहाँ बनेगी रेस वहीं आपका इमेज बनती है। ये मैंने बताया था अर्ली सनराइज और डिले सनसेट के पीछे रीज़न यही होता है, पता है ना ये रीज़न? ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का जो डेंसिटी होती है, एटमॉस्फेरिक डेंसिटी, वो अलग अलग होती है। तो जो लाइट रे आती है ना, ठीक है, जैसे मान लो ये अर्थ है, आप यहाँ बैठे हो, ठीक है, ये हॉराइज़न है, सन अभी यहाँ पर है, मान लो सनराइज़ है, सनराइज़ का केस है, सन अभी यहाँ है, लाइट रे ऐसे निकली, एटमॉस्फेयर में गई, डेंसर मीडियम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई तो बेंड हो गई, फिर थोड़ी सी बेंड हुई इधर चली गई, फिर थोड़े से बेंड होके फिर इधर आ गई, फिर बेंड होके इधर आ गई। तो लास्ट मोमेंट पे किस डायरेक्शन से इस बच्चे की आंख में रेस गई है, ये डिसाइड करता है कि इस सन की इमेज कहाँ बनेगी इस आदमी के लिए या इस बच्चे के लिए। तो डायरेक्शन है इसका इधर, तो सन यहाँ दिखाई देगा उसको, यानी हम लोग जो देखते हैं सन की इमेज को देखते हैं। यहाँ पर सन है, हॉराइजन के नीचे है, लेकिन सन दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग डेंसिटी अर्थ के आसपास जो डेंसिटी होती है एटमॉस्फेयर की, एयर के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी अलग अलग होने की वजह से नज़दीक जैसे जैसे जाओगे डेंसिटी बढ़ती जाती है, अर्थ के सरफेस से जितना ऊपर जाओगे डेंसिटी कम होती जाती है, तो वैरी करते रहता है डेंसिटी। इस वजह से रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट रे, और इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इस वजह से लाइट रे आ जाती है, जिस डायरेक्शन से उस बच्चे की आंख में लाइट रे जा रही है लास्ट मोमेंट पे, उसी लास्ट मोमेंट की रे को आप पीछे बढ़ाते हो तो उस सन की इमेज बन जाती है। उसी तरह यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे, वहाँ से जो रे आ रही है कन्वर्ज कर रही है, यहाँ इमेज बना रही है ए डैश बी डैश, जो फोकस पे बना रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज भी फोकस पे बनेगी, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे बनेगी, यही ना मतलब हुआ? ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे ही तो बनेगी। तो एफओ किसका फोकल पॉइंट है? ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल पॉइंट है, ठीक है। अब ये रे जब आगे बढ़ गई इमेज बनाने के बाद, जब ये आगे बढ़ के डाइवर्ज हुई, तो अब ये कहीं कहीं आगे तो मिलेगी नहीं, इसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा। जब पीछे बढ़ाया तो हमने देखा कि ये ए डैश बी ए डबल डैश बी डबल डैश पे इमेज बना रही है दूसरी, करेक्ट है, सही है, करेक्ट। तो अब देखो ये, इसको हमने कहा ये एंगल अल्फ़ा, इस एंगल को अल्फ़ा कहा, इसको अल्फ़ा कहा, और ये कहा बीटा, ठीक है। तो अगर एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, ये मैं हटा दे रहा हूँ, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या बताया था? एम इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फ़ा होता है। बीटा और अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी जल्दी से बताओ, अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर टैन अल्फ़ा, अगर अल्फ़ा बीटा बहुत छोटा है तो अल्फ़ा को टैन अल्फ़ा लिख सकते हैं, टैन अल्फ़ा को अल्फ़ा लिख सकते हैं, तो टैन अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश होगा, और बीटा इज इक्वल टू टैन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इसको लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश लिख सकते हैं, ये वैल्यू यहाँ रख दें तो एंगुलर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश, ए डैश बी डैश कट जाएगा, ये हो जाएगा ओ बी डैश अपॉन ई बी डैश होगा, सही है, ओ बी डैश अपॉन ई बी डैश, करेक्ट है। अब बताओ पहली बात, यहाँ से ये डिस्टेंस क्या होगी? एफ ओ होगी ना, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होगी? यू ई कहलाएगी, यू ई होगी ना, ठीक है, करेक्ट है, डाउट है? एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ ओ अपॉन यू माइनस एफ ओ अपॉन यू ई, ये हो गया। अब ठीक है, अगर इस आई लेंस का फोकल पॉइंट यहाँ कहीं है एफ ई, ठीक है, यहाँ पर है, तो ये छठा केस हो गया, छठा केस हुआ ना ये वाला, एफ ई यहाँ है,
अब देखो, 1/v - 1/u = 1/f आई लेंस के लिए हम यूज़ करने जा रहे हैं, आई लेंस के लिए यूज़ करने जा रहे हैं, तो क्या होगा, v की वैल्यू क्या होगी, माइनस डी के इक्वल होगी, u की वैल्यू क्या होगी, माइनस यू ई होगी, और f की वैल्यू f ही यूज़ किया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी माइनस अपॉन माइनस यू ई इज इक्वल टू 1/FE, इसको उधर भेज दो, 1/UE इज इक्वल टू 1/FE प्लस 1/D, ये UE की वैल्यू अगर आप वहाँ रख दो, वहाँ पर ये इसको एक और चीज़ देख सकते हो, 1/UE इज इक्वल टू 1/FE कॉमन ले लो तो क्या आएगा, 1+FE/D होगा, 1/FE ब्रैकेट में 1+FE/D होगा, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं हम लोग, तो m इज इक्वल टू क्या आएगा, -FO (1/FE)(1+FE/D) होगा, यानी मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू -FO (1+FE)(1+FE/D) ये हो गया मैग्नीफिकेशन। अब ध्यान से सुनना, FO जो है ये मैग्नीफिकेशन में FO की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, और FE की वैल्यू कम होनी चाहिए, मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए, तो मैग्नीफिकेशन कब ज़्यादा होगा, FO की वैल्यू जब बड़ी हो, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा मैग्नीफिकेशन के, तो FO की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, होनी चाहिए ना, और एफ ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एफ ई की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, करेक्ट है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ बड़ा होना चाहिए, क्योंकि मैग्नीफिकेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एफ ओ के, और एफ ई की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, इन स्मॉल होनी चाहिए, क्योंकि मैग्नीफिकेशन जो है एफ ई के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन अगर बढ़ाना है तो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ बड़ा होना चाहिए और आई लेंस का फोकल लेंथ छोटा होना चाहिए। और एक और पॉइंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, टेलीस्कोप में हमेशा जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका अपर्चर मतलब डायमीटर बड़ा लेना होता है। वजह क्या है, वजह यह है कि मान लो आपने इतना बड़ा लेंस लिया और इतना बड़ा लेंस लिया, इसमें 50 रेज जा रही हैं इसके अंदर से इंटर कर रही हैं, इसमें से 100 रेज जा रही हैं इंटर कर रही हैं, तो अपर्चर बड़ा होने से क्लियरिटी बढ़ जाती है। जैसे लैपटॉप में तुमने देखा होगा, पिक्सल्स को बढ़ा देने से ऑब्जेक्ट की साइज छोटी हो जाती है लेकिन क्लियरिटी बढ़ जाती है, ध्यान दिया, रिजोल्यूशन बढ़ा देने से लैपटॉप की स्क्रीन का या डेस्कटॉप की स्क्रीन का रिजोल्यूशन बढ़ा देने से आपका ऑब्जेक्ट तो छोटा हो जाएगा साइज़ में, लेकिन जो क्लियरिटी होती है, विजिबिलिटी होती है, वो अच्छी हो जाती है, ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता है। उसी तरह जब किसी भी टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस जितना बड़ा अपर्चर वाला लोगे ना, बड़ा करते जाओगे, ऑब्जेक्ट की क्लियरिटी उतना क्लियर होती जाएगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा, कोई स्टार दिख रहा होगा, ठीक है, आपको लग रहा होगा वो स्टार है, उससे रेज आ रही हैं, जैसे उसका अपर्चर डबल या ट्रिपल कर दोगे ना, वहाँ पर जहाँ पर आपको एक स्टार दिख रहा था ना, वहाँ आपको वही स्टार, आपको दो या तीन स्टार दिखने लगेंगे। ऑब्जेक्ट की साइज़ को छोटा भले ही कर देगा लेकिन क्लैरिटी बढ़ा देगा। जो स्टार आपको एक दिख रहा था, लग रहा था वो एक स्टार से रोशनी आ रही है, एक्चुअली वहाँ दो या तीन स्टार थे जो रोशनी दे रहे थे, भेज रहे थे आपको, लेकिन क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंस, टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस था वो बहुत छोटा था, जैसे ही आपने उसको बढ़ाया, अपर्चर उसका बढ़ाया, ज़्यादा लाइट रे आने लगी, जिससे क्लियरिटी बढ़ गई, और क्लियरिटी बढ़ जाने से क्या हुआ कि एक स्टार आपको क्लियरली आपको दो या तीन स्टार में दिखने लगा, जो आपको एक स्टार लग रहा था, फील हो रहा था कि वहाँ से जो रोशनी आ रही है सिर्फ एक स्टार से आ रही है, वहाँ पर एक ही स्टार है, ऐसा महसूस होता है ना कि एक स्टार है, लेकिन वहाँ पर आसपास कई स्टार होते हैं, तो वो क्लैरिटी बढ़ती कब है, जब आप अपर्चर को बढ़ा देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर ज़्यादा होना चाहिए टेलीस्कोप में,
तो ये रिलेशन जो हम लोगों ने निकाला है माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, ये डिस्टिंक्ट विजन वाला केस है। कौन सा केस है? डिस्टिंक्ट विजन वाला, यानी इमेज यहाँ बनी। अब रिलैक्स आई के लिए क्या होगा? रिलैक्स आई के लिए बताओ, रिलैक्स्ड आई के लिए क्या होगा? वी जो होगा इन्फिनिटी पे बनेगा और यू की वैल्यू कहाँ होनी चाहिए? यू ई की वैल्यू, यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ऑब्जेक्ट अगर ये फोकल पॉइंट यहाँ ना हो, इसी पे आ जाए, इसी पे एफ ओ, यानी अगर इस आई लेंस को थोड़ा सा पीछे कर दें तो एफ ई शिफ्ट करके पीछे आ जाएगा, बी डैश पे आ जाएगा, यानी बी डैश और एफ ई एक ही जगह कंसाइड करेंगे, ठीक है? तो अगर ये शिफ्ट कर जाएगा तो यू ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ ई के बराबर हो जाएगी, यू की वैल्यू हो जाएगी ना, ठीक है? तो अब ज़रा ध्यान से सुनना, इन्फिनिटिव हो गया, वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ अगर लगाओगे तो क्या होगा? वन अपॉन यू ई इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ई के बराबर होगा, वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन, क्योंकि वन अपॉन इन्फिनिटिव तो ज़ीरो हो जा रहा है, ठीक है? तो अब ज़रा ध्यान से देखना, अब तो इसमें क्या होने जा रहा है? एम इज इक्वल टू जो था इक्वेशन एफ ओ अपॉन यू ई, वो क्या हो जाएगा? एम इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई के बराबर हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा? वन अपॉन यू ई वन अपॉन एफ ई के बराबर नहीं होगा, वन अपॉन यू ई वन अपॉन एफ ई के बराबर हो गया ना। ये किस केस में है? रिलैक्स आई के केस में, और ये डिस्टिंक्ट विजन वाला केस था क्योंकि इमेज बन रही थी यहां पर। अच्छा, डिस्टिंक्ट विजन में लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या होगा? डिस्टिंक्ट विजन में ये लेंथ है ट्यूब की लेंथ यहां से यहां तक की, डिस्टिंक्ट विजन वाले केस में ये क्या होगा? वो होगा एफ ओ प्लस यू ई मॉड के बराबर होगा। किस केस में? डिस्टिंक्ट विजन में होगा ना एफ ओ प्लस यू ई मॉड, लेकिन रिलैक्स आई में क्या होगा? रिलैक्स आई में एल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? एफ ओ प्लस एफ ई होगा, यहाँ से यहाँ तक एफ ओ और यहाँ से यहाँ तक एफ ई, यहाँ से यहाँ तक एफ ई रिलैक्स आई के केस में। तो ये इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी ना, ए डबल डैश बी डबल डैश पे नहीं बनेगी ना इमेज, जो फाइनल इमेज होगी वो यहाँ नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आ गया इस आई लेंस के फोकस पे आ गया, ये एफ ई आ गया शिफ्ट होके यहाँ पर, क्योंकि आपने लेंस को थोड़ा पीछे कर दिया तो एफ ई शिफ्ट होके यहाँ आया। तो जैसे यहाँ आया इसका मतलब है ये ए डैश बी डैश जो यहाँ बन रहा है वो अब इस आई लेंस के फोकस पे है। अगर आई लेंस के फोकस पे ये आ गया तो अब इसकी इमेज तो इन्फिनिटी पे बनेगी ना। फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट होता है उसकी इन्फिनिटी पे इमेज बनती है ना, याद करो, याद आ गया? तो ये जो केस है ये रिलैक्स आई वाला केस है, लेंथ ऑफ द ट्यूब, जो ट्यूब में जो लेंस रखे रहते हैं ना टेलीस्कोप के, उस ट्यूब की लेंथ कितनी होगी? एफ ओ प्लस एफ ई, किस केस में? रिलैक्स आई के केस में। और ट्यूब की लेंथ डिस्टिंक्ट विजन वाले केस में एफ ओ प्लस मॉड ऑफ यू ई, यू ई क्योंकि नेगेटिव होता है इसलिए मैंने मॉड लगा दिया ताकि पॉजिटिव हो जाइए, जनरली हम लोग यू ई यू की वैल्यू को नेगेटिव लिखते हैं, ठीक है? तो इसलिए मॉड लगा दिया ताकि इसकी वैल्यू को पॉजिटिव में हमको लिखना है। लेंथ ऑफ द ट्यूब, जो ट्यूब होता है हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब होता है जिसमें दोनों लेंस रखे रहते हैं, ठीक है? याद रहेगा? तो हम लोगों को क्या समझ में आया कि अगर टेलीस्कोप का मैग्नीफिकेशन बढ़ाना है तो एफ ओ की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, एफ ई की वैल्यू कम होनी चाहिए, अपर्चर यानी ऑब्जेक्टिव लेंस का जो अपर्चर होता है वो ज़्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए ताकि क्लियर इमेज दिख सके। हाँ, ये पॉइंट याद रहेगा?